सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वीडियो को बहुत शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक महिला सफेद साड़ी में दिखाई देती है, जिसने शरीर के ऊपरी हिस्से पर मेहंदी से ऐसा पैटर्न बनवा रखा है जिससे ब्लाउज होने का आभास होता है। थानोस जट नाम से इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में पहले महिला की बैक नजर आती है और फिर वो मुड़कर कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराती है। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ ए बीहोल्डर वाली कहावत को सही साबित करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर अपने अपने नजरिए से कमेंट करने लगे। किसी को इसमें गजब की क्रिएटिविटी नजर आई तो किसी ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। अब आपको इस फैशन से हटकर बिहार के दरभंगा जिले में ले चलते हैं। जलज बॉय नाम से अरविंद झा के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर 14 दिसंबर को यहां हुए एक वस्त्र नाम से फैशन शो का वीडियो शेयर किया गया। फैशन शो का आयोजन मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के तहत हुआ। दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में इस फैशन शो का आयोजन किया गया। इससे एक दिन पहले इसी ट्विटर हैंडल से मिथिला के पत्रकारों से इस अनोखे इवेंट को कवर करने का आग्रह किया गया था। साथ ही लिखा गया था कि मिथिला में जो पहले कभी नहीं देखा गया, एक फैशन शो जिसमें स्थानीय कपड़ों का इस्तेमाल, बिना सिलाई पहनने की अवधारणा, वन पीस साड़ी को वैदिक तरीके से पहने देखा जा सकेगा। बिना सिले कपड़े को एक वस्त्र या अखंड वस्त्र कुछ भी नाम दिया जा सकता है। दरभंगा में ये ऐसा फैशन शो रहा जिसमें हिस्सा लेने वाली मॉडल्स बिना ब्लाउज साड़ी पहने स्टेज पर नजर आईं। मिथिला में पूजा पाठ, शादी संस्कार जैसे अवसरों पर महिला और पुरुष अखंड वस्त्र अब भी पहने देखे जा सकते हैं। इसे शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अतीत में मिथिला में सिलाई वाले कपड़े नहीं पहने जाते थे, बल्कि बुनकरों की ओर से तैयार कपड़े पहनने का ही प्रचलन था। एक वस्त्र फैशन शो के माध्यम से मिथिला के उसी गौरवशाली इतिहास को दिखाया गया जिसमें कॉस्मेटिक्स की जगह नैसर्गिक सुंदरता और सादगी पर ही जोर रहता था। फैशन शो में हिस्सा लेने वाली 17 मॉडल्स में दरभंगा की 2 स्थानीय युवतियां भी शामिल थीं। दरभंगा के अलावा पटना, बेंगलुरु और मुंबई से भी आई मॉडल्स ने इस फैशन शो में शिरकत की। मुंबई से आई एक्ट्रेस सोनल झा इस आयोजन में शो स्टॉपर रहीं। सोनल के मुताबिक इस तरह के वस्त्र प्राचीन काल के रहन सहन को दिखाते हैं, उस समय की सादगी अब भी मौजूद है। मैथिली परंपराओं के जानकारों का कहना है कि पहले अखंड या एक वस्त्र के तौर पर साड़ी पहनने का ही रिवाज था। सिलाई का प्रचलन मुस्लिमों की ओर से शुरू हुआ। वक्त बीतने के साथ साड़ी के साथ ब्लाउज पहनने का प्रचलन बढ़ा। इसके बाद धीरे धीरे एक वस्त्र या अखंड साड़ी की परंपरा हाशिए पर खिसकती चली गई। मिथिला ही नहीं, देश के कई और हिस्सों में भी बिना ब्लाउज साड़ी पहनने का चलन रहा है। शुंग काल की टेराकोटा की मूर्तियों को देखा जाए तो उनमें भी महिलाएं साड़ी जैसे एक वस्त्र में बिना ब्लाउज ही दिखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।